गुड इवनिंग गाइस, वेलकम टू टैलेंट ब्लेजर, इंडियाज लेटेस्ट एड टेक प्लेटफॉर्म दैट इज देयर टू हेल्प यू एट एवरी स्टेज ऑफ योर करियर. नाउ इफ यू हैव बीन हेयर यू नो मी, माई नेम इज गौरव एंड आई एम योर टीचर एंड मेंटोर इन दिस जर्नी एंड आई हैव बीन टेकिंग यूजीसी नेट पेपर टू कॉमर्स फॉर अ वाइल नाउ एंड वी हैव स्टार्टेड यूनिट 7 एंड आई हैव ऑलरेडी मेड अ यूनिट ऑन अ वीडियो ऑन यूनिट 7 बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. दिस इज पार्ट 2, राइट, वेयर वी विल डिस्कस फर्दर अपॉन वॉट आई हैव डिस्कस्ड इन द लास्ट वीडियो. लास्ट वीडियो में मैंने काफ़ी आपको बैंकिंग सिस्टम के बारे में एक्सप्लेन करा था कि इंडिया में कौन कौन से बैंक्स हैं, किस टाइप्स ऑफ बैंकिंग सिस्टम, राइट, किस अथॉरिटी से आते हैं, किस शेड्यूल से आते हैं. एवरी थिंग वॉज एक्सप्लेन इन द लास्ट वीडियो एंड नाउ इन टूडेज वीडियो विल बी टॉक अबाउट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस अपार्ट फ्रॉम बैंक्स. जो हमारे बैंक्स के अलावा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन थे उसके ऊपर थोड़ा टचअप करेंगे और मेजर जो हमारा फोकस रहेगा दैट वुड बी ऑन मार्केट्स, प्राइमरी मार्केट, कैपिटल मार्केट्स. जो ये मार्केट्स होती हैं इनके बारे में विल लर्न अ बिट एंड श्योरली गिवन योर सिलेबस उसके अकॉर्डिंग ही, बिकॉज दीज टॉपिक्स आर वेरी वाइड इफ इफ यू गो अबाउट इट. ठीक है, तो प्राइमरी मार्केट, कैपिटल मार्केट, दीज आर द मार्केट्स दैट वी ट्रेड इन, विल फोकस अपॉन दोज थिंग्स. फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में मैं एक बार आपको रिवाइज करा देता हूँ दैट वॉट वी हैव कवर्ड इन द लास्ट क्लासेस. नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एन बी एफ सीज के बारे में, कॉरपोरेशन, ठीक है, इसके बारे में वी हैव डिस्कस्ड. और इसके भी जो हमने दो पार्ट्स करे थे, डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, दीज वर द थिंग्स विच वी हैव कवर्ड इन द लास्ट क्लास. एंड इन टूडेज क्लास वी विल फोकस अपॉन मार्केट्स, टाइप ऑफ मार्केट, प्राइमरी मार्केट्स क्या होती है, कैपिटल मार्केट्स क्या होती हैं, इनके बारे में जानेंगे इन डेप्थ, इन डिटेल, एंड मोर ऑफ द थिंग्स विच कैन कम इन योर एग्जामिनेशन. एंड वन मोर थिंग, एक और जो इम्पोर्टेंट पार्ट बनता है दैट इज़ योर बेसल नॉर्म्स. उसके बारे में भी विल टच अपॉन बेसल नॉर्म्स के बारे में भी कि क्या है, क्यों बेसल नॉर्म्स को फॉलो करा जाता है और उन सब के बारे में, बिकॉज इससे भी क्वेश्चन आने आ सकते हैं और आते भी हैं. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विद मनी मार्केट एंड इट्स इंस्ट्रूमेंट, द बेसिक वन. ठीक है, देखो अगर सिंपल टर्म में हमेशा याद रखना हो कि मनी मार्केट क्या है और कैपिटल मार्केट में डिफरेंस. सी, मनी मार्केट को याद करने का तरीका रख लो, मनी क्या है, शॉर्ट टर्म के लिए यूज करते हो. सी, यू हैव मनी इन योर हैंड, यू विल स्पेंड इट आउट, राइट. ठीक है, कहने का क्या मतलब है, पीपल यूजुअली स्पेंड आउट मनी दे हैव इन देयर हैंड, मतलब पैसा हाथ में होता है तो उसको स्पेंड कर देते. तो इसके हिसाब से शॉर्ट ड्यूरेशन की हम बात कर रहे हैं. तो सेम गोज फॉर मनी मार्केट, इज अ सेगमेंट टू द फाइनेंशियल मार्केट वे शॉर्ट टर्म बोरिंग एंड लेंडिंग टेक प्लेस. ठीक है, तो वर्ड पे एम्फोसाइज करना है शॉर्ट टर्म, बिकॉज बहुत कम टाइम पीरियड के लिए वी आर होल्डिंग दैट मनी. एंड इसमें भी जब मनी मार्केट में हम बात कर रहे हैं तो लेंडिंग जो होती है, बोरोइंग जो होती है, वो भी बहुत शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए होती है, लेस देन 1 ईयर. ठीक है, टिपिकली पावर पीरियड्स रेंजिंग फ्रॉम ओवर नाइट टू 1 ईयर, तो 1 साल से कम की हम बात कर रहे हैं. तो एवरी थिंग दैट कम्स विद इन 1 ईयर जो ट्रेड होता है दैट विल कम अप इन मनी मार्केट, दैट इज हाउ इट इज क्लासिफाइड. तो पार्टिसिपेंट्स इन द मनी मार्केट इंक्लूड्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, कॉरपोरेशन, गवर्नमेंट, सेंट्रल बैंक. सो दीज आर द मेजर 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 पार्टिसिपेंट जो होते हैं हमारे, राइट. तो ऐसा नहीं है दैट यू गाइज ऑल्सो डोंट पार्टिसिपेट, यू आर ऑल्सो अ पार्टिसिपेंट ऑफ इट. तो ये ऐसा नहीं है कि वी एज वी आर कॉल्ड इट रिटेल, रिटेल इंस्टीट्यूशंस को हम बोलते हैं, जो हम इंडिविजुअल कस्टमर्स होते हैं उनको रिटेल इंस्टीट्यूशंस के अंदर हम कैटेगराइज करते हैं, रिटेल के अंदर आते हैं, रिटेल कैटेगरी. तो अब बात करते हैं कि क्या क्या मेजर इंस्ट्रूमेंट्स है, व्हाट आर द मेजर इंस्ट्रूमेंट्स इन मनी मार्केट विच यू हैव टू स्टडी एंड विच यू हैव टू रिमेंबर. फ्रॉम दिस यू कैन एक्सपेक्ट मेनी क्वेश्चंस, एज आई सेड अर्लियर. ठीक है, दीज आर शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट इश्यूड बाय गवर्नमेंट टू रेज फंड. तो सबसे पहले टेबल्स कौन इशू करता है, गवर्नमेंट रेज करती है और ये थ्रू आउट द ग्लोब होता है, ऐसा नहीं कि ओनली टू इंडिया, इट हैपन्स ग्लोबली. ठीक है, टेबल्स आर इशूड एट अ डिस्काउंट टू देयर फेस वैल्यू एंड मेच्योर एट पार. ठीक है, इसका अगर एक एग्जाम्पल लेना है तो जैसे टेबल्स की अगर मैं बात करूँ, आपको एक टेबल की जिसकी फेस वैल्यू 100 रुपीज है, यू विल गेट एट 90 एट
₹90, ठीक है। सो होता क्या है कि आपको टी बिल जैसे ₹90 का है, जिसकी फेस वैल्यू ₹100 है, आपको ₹90 में आप उसको परचेज करोगे, और ये जब परचेज करोगे तो आपके पास एक ट्रेजरी बिल आ जाएगा, और वही पैसा किसके पास चले जाएगा, गवर्नमेंट के पास, ठीक है। और गवर्नमेंट के पास ये ₹90 मिल जाएगा, और वेन एवर द ड्यूरेशन ऑफ टी बिल एंड, सो टी बिल्स की जो ड्यूरेशन है उससे क्वेश्चन आ सकता है, जो ये हमारी लेस देन 1 ईयर होती है, तो 91, 182 डेज एंड 364 डेज, इतने कम दिनों की जो हमारी टी बिल्स होती है, एज आई सेड 1 ईयर से लेस होगा, तो ₹90 आपको पे करना है, और आपको जब ये ड्यूरेशन खत्म होगी तो आपको ₹100 मिल जाएंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, जो फेस वैल्यू है उसकी ₹100 की फेस वैल्यू आपको ₹90 में मिलेगा, मतलब एट डिस्काउंट, ₹10 का डिस्काउंट, और मतलब उसमें आप बाय कर रहे हो, और यही ₹10 का डिस्काउंट एक तरीके से आपका इंटरेस्ट बन जाता है, और आपको फाइनली ₹100 का फायदा, मतलब ₹10 का फायदा होता है, और आपको ₹100 मिल जाते हैं वापस, ठीक है। इसको हम बोलते हैं ट्रेजरी बिल्स। इशू कौन करता है, हमारी गवर्नमेंट इशू करती है, तो आरबीआई एक्ट करती है ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट, जैसे मैंने बोला, आर इशूड एट डिस्काउंट टू देयर फेस वैल्यू एंड मेच्योर एट पार, मतलब ₹100 पे वो मेच्योर होंगे, ₹100 आपको मिलेंगे जब वो टाइम पीरियड ओवर हो जाएगा। सो व्हाट इज योर अर्निंग, बेसिकली ₹10 आपके जो है वो आपको इंटरेस्ट की तरह अर्न कर लिए जाएंगे, ठीक है। देयर मेच्योरिटीज रेंजिंग फ्रॉम फ्यू डेज टू 1 ईयर, तो जैसे मैंने आपको बताया ये तीन कैटेगरीज होती हैं टी बिल्स की, और ये इंपॉर्टेंट है। ओके, वन मोर थिंग, कैन यू पार्टिसिपेट और बाय अ टी बिल, यू डेफिनेटली कैन। सो आजकल यू हैव हर्ड ऑफ मेनी ऑनलाइन ब्रोकर्स, जीरो द ग्रो, सो बिकॉज एज इन्वेस्टर्स, जैसे यू ऑल प्रॉबेबली, आप जब इतने स्मार्ट हो जाते हो, यू गेट टू नो अबाउट मेरी डिफरेंट इन्वेस्टिंग अपॉर्चुनिटीज, यू वॉन्ट टू इन्वेस्ट इन सच थिंग्स। जैसे हम टी बिल्स की बात करें, सी दीज आर बैक्ड बाई गवर्नमेंट, सो दे आर वेरी सिक्योर, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे होता है, इट डजेंट एक्ट लाइक दैट इन इन प्रैक्टिकल, आपको पहले ही वहाँ पे एक इंटरेस्ट रेट स्पेसिफाई कर देता है, और इतने कम अमाउंट का नहीं होता, तो जैसे वो 10,000 से स्टार्ट होता है, ठीक है। मिनिमम इन्वेस्टिंग अमाउंट जो है दैट इज 10,000, ठीक है, और इसके ऊपर आप मल्टीपल्स बढ़ा सकते हो, 10,000, 20,000, 30,000, तो इसके मल्टीपल्स में ही ये चलता है। एंड जो इंटरेस्ट रेट है दैट इज ऑल्सो बिंग स्पेसिफाइड अर्लियर, आपको ये भी बताया जाता है कब मेच्योर होगा, 91 डेज है तो कैलकुलेट कर देते हैं, ठीक है। ऑल ऑफ दैट इज गिवन इन द ऐप, तो इफ यू आर वन ऑफ दोज हु आर लाइक इंटरेस्टेड इन बाइंग सच थिंग, सो यू कैन बाय फ्रॉम दीज ऐप्स, ठीक है। तो ये सारी ब्रोकरेज फॉर्म्स है। अब इसमें गवर्नमेंट आपको एग्जैक्टली जो इंटरेस्ट रेट है वो पूरा पे कर देता है, एंड यू कैन डेफिनेटली ट्रस्ट ऑन दिस, राइट। सो एज फार एज माई नॉलेज गोज, लास्ट वन द टी बिल फॉर 91 डेज वॉज गिविंग एटलीस्ट लाइक द इंटरेस्ट अराउंड 6.93%, ठीक है, 7%, 6.93%, इतना ही है। यू कैन नॉट एक्सपेक्ट बहुत ज़्यादा होगा, मार्केट से बहुत डिफर नहीं करता, बट दीज आर लाइक शॉर्ट टर्म गेन्स, डिफाइंड गेन्स, और ये गेन्स होने ही है पॉसिबली, बिकॉज गवर्नमेंट जो है वो बैंकरप्ट नहीं होती, राइट, इन मेजोरिटी ऑफ केसेस। ओके, अब जस्ट एक सेकेंड, राइट। तो ये एक ट्रेजरी बिल का एक एग्जाम्पल है कि कैसे होता है। अब मैंने आपको इसका डिजिटल वे भी बता दी, डिजिटल मेथड, आजकल बिकॉज एवरीथिंग इज बीन ऑनलाइन, तो उसके डिजिटल मेथड पे ही ज़्यादा रिलाई करना। सो अर्लियर दिस इज यूज टू बी लाइक अ ट्रेजरी बिल, एक इशू कर दिया जाता था, एंड वंस द ड्यूरेशन इज ओवर, यू कैन गेट द, यू हैव टू शो दिस बिल एंड यू विल गेट योर फुल वैल्यू अमाउंट, ठीक है। तो पहले बिकॉज एज यू सेड हर चीज़ पेपर वर्क होता था, अब हर चीज़ डिजिटल हो गया, सो दिस ऑल्सो वेंट टू डिजिटल मेथड। तो जैसे मैंने बताया, ऑन सम ब्रोकरेज ऐप्स यू कैन डेफिनेटली ट्राई आउट, और ट्रेजरी बिल्स यू कैन बाय, और दीज आर नॉट अवेलेबल लाइक अराउंड द ईयर, पूरे साल नहीं अवेलेबल होते हैं, कुछ लिमिटेड टाइम के लिए होते हैं, जब भी सेंट्रल गवर्नमेंट्स नीड मनी, दे नीड टू रेज फंड्स, दे इशू ट्रेजरी बिल्स, ठीक है। कुछ कुछ टाइम के लिए ही यू नो इशू ओपन अप होता है, पूरे टाइम नहीं ओपन रहता है, ऐसा नहीं है कि इफ़ यू वॉन्ट टू चेक इट आउट टुमारो तो आपको कल मिल जाएगा, नहीं, कुछ सिलेक्टेड टाइम पीरियड के लिए अवेलेबल होता है, उसके अंदर यू हैव टू बाय, और वंस इट मैच्योर्स यू गेट योर मनी, ठीक है। ओके, राइट। सो बात करते सेकेंड,
कमर्शियल पेपर की। हमने अभी बात करें, हम बात करें मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट की, तो सेकंड जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है मनी मार्केट में, दैट इज कमर्शियल पेपर। अभी ट्रेजरी बिल्स के बारे में बात करी। अब ये क्या है? इज एन अनसिक्योर्ड शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय कॉरपोरेशंस टू नीड देयर इमीडिएट फंडिंग नीड्स। ठीक है, अब होता क्या है, जैसे एज यू नो कॉरपोरेशन नीड्स वर्किंग कैपिटल। ठीक है, हमें सबको पता है वर्किंग कैपिटल की जरूरत होती है, मतलब उनके जो बेसिक खर्चे हैं लाइक इलेक्ट्रिसिटी एंड रेंट एंड एम्प्लॉय सैलरी वेजेस। ठीक है, तो उन सबको पे करने के लिए तो दे नीड मनी। ठीक है, एंड समहाउ आपको भी पता होगा कि काफी ज्यादा यू नो द मनी गेट स्टक एट टाइम्स, बिकॉज वंस यू हैव डन अ डील एंड द अमाउंट ऑफ टाइम दैट इट टेक्स टू एक्चुअली गेट द मनी फ्रॉम द पर्सन यू हैव डन द डील विद, इट डिपेंड्स। ठीक है, ऐसा है 2-3 महीने क्रेडिट बेसिस पे होता है, 2-3 महीने के बाद आपको पैसे मिलते हैं, इमीजिएट नहीं मिलते। तो काफी बार क्या होता है, कॉरपोरेशन दे डू रन आउट ऑफ मनी, दे नीड फॉर अ वाइल। ठीक है, ऐसा नहीं कि वो बैंक करप्ट हो गए हैं, खत्म होने वाले हैं, देन दे इशू कमर्शियल पेपर, ऐसा नहीं है। ये बहुत ही शॉर्ट टर्म के लिए होता है, व्हेन दे रिक्वायर्ड देयर मनी टू दे रिक्वायर्ड मनी टू रन द कंपनी। ठीक है, वर्किंग कैपिटल की नीड्स के लिए डेफिनेटली कमर्शियल पेपर को इशू कर सकती है। अब कमर्शियल पेपर को इशू करा कैसे जाता है, देखो ये अनसिक्योर्ड है पहली बात तो। जैसे हमने बात करी थी ट्रेजरी बिल्स की, दोज आर सिक्योर्ड बिकॉज दोज आर बैक्ड बाय गवर्नमेंट। ठीक है, सिक्योर्ड है क्योंकि बैक्ड है बाय गवर्नमेंट। लेट सपोज आप एक कमर्शियल पेपर जो है उसमें इन्वेस्ट करते हो। ठीक है, अब है क्या, ये भी एक शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट ही है, राइट? दैट बेसिकली मीन्स अ पेपर जिसपे आपने लिखा, एक पेपर होता है, अभी मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताऊंगा कि कैसा होता है कमर्शियल पेपर, एग्जैक्टली दिखता कैसा है, कैसे इशू होता है। तो कमर्शियल पेपर में अगर मैं आपको बताऊं कि एग्जैक्टली डिटेलिंग्स क्या मेंशन होती है कि आपको इतने, आपने इतने अमाउंट लेंड करे हैं और आपको इतने इंटरेस्ट पे आपका पैसा मिलेगा। ठीक है, अब इसमें अनसिक्योर्ड क्या है, बिकॉज यू आर नॉट गेटिंग अ गारंटी। गवर्नमेंट में तो आपको पता है कि गवर्नमेंट विल स्टे, ऐसा तो है नहीं दैट गवर्नमेंट विल रन आउट ऑफ मनी टुमारो, बट दिस फर्म कैन। ठीक है, ये फर्म बैंक करप्ट हो सकती है, दे कैन रन आउट ऑफ मनी, और दूसरी वजह से पॉसिबिलिटी क्या है दैट यू वोंट गेट योर मनी बैक। तो दीज आर अनसिक्योर्ड मनी एंड दैट इज वाई मेजोरिटी ऑफ पीपल जनरली डोंट ट्रेड इन कमर्शियल पेपर, बिकॉज दे फील दैट इसमें अगर इफ यू इन्वेस्ट वॉट इफ यू लूज आर मनी, सो दिस इज वेरी अनसिक्योर्ड। एंड अनसिक्योर्ड का मतलब क्या होता है, देर इज नो बैकिंग, बैकिंग मतलब है नहीं कि ना ही कोई कोलैटरल है जिससे यू कैन गेट योर मनी बैक। ठीक है, तो टिपिकली कितने दिन के लिए इशू करा जाता है, फॉर पीरियड और रेंजिंग फ्रॉम 1 to 270 days, राइट? लेस देन 365 years, एंड फॉर दिस द अमाउंट ऑल्सो डिपेंड, दिस इज ऑल्सो नॉट इशूड फॉर लाइक 100 rupees और समथिंग, ये भी लाखों रुपए में ही इशू करा जाता है, एंड बिकॉज कॉरपोरेशन नीड्स मनी टू रन देयर बिजनेसेस। ठीक है, अब फॉरेन इन्वेस्टर हाउ दे आइडेंटिफाई दैट दिस कंपनी इज डूइंग वेल, लुक एट देयर फाइनेंशियल्स, वाई दे आर लुकिंग फॉर, वाई दे आर रेजिंग फंड थ्रू कमर्शियल पेपर। तो जितनी भी फाइनेंसेज है, अगर इनके आपके जो बॉन्ड्स जो रेटेड हैं वो किस कैटेगरी में, A++ है या AAA है, तो उससे यू गेट आइडेंटिफाइड और नोटिफाइड की वॉट यू हैव टू डू, वॉट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड देन यू कैन रेज, यू कैन एक्चुअली बाय दैट कमर्शियल पेपर एंड गेट योर मनी बैक। ठीक है, तो वो यू हैव टू डू द थिंकिंग फ्रॉम योर ओन एंड, राइट? अब थर्ड बात करते हैं सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स की, ये भी काफ़ी ज़्यादा फेमस है मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स, एंड इसमें भी, इसमें ये आपके, जैसे हम बात कर रहे थे कमर्शियल पेपर जिसमें कॉरपोरेशन का यूज होता है, राइट? सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट आर इशूड बाय बैंक्स, जो हमारे बैंक इशू करते हैं। सी बैंक्स ऑल्सो रन आउट ऑफ मनी। ठीक है, अ टाइम्स डिपॉजिट ऑफर्ड बाय बैंक टू इन्वेस्टर्स विद अ फिक्स मेच्योरिटी डे। अब इसमें क्या है, अब जैसे मैंने आपको थोड़े दिन पहले एक स्टार्ट बताया था दैट सेविंग लेवल, सेविंग्स लेवल जो होता है कंट्री का हैज बीन ऑन 35 ईयर्स लो। 35 ईयर्स लो का कहने का मतलब क्या है, जो हमारा सेविंग परसेंटेज होता है ऑफ द मनी दैट इज इंडिया इज मेकिंग, इट इज लो, दैट पीपल आर नॉट सेविंग, पीपल आर स्पेंडिंग मोर। ठीक है, अब बैंकों के लिए वो प्रॉब्लम है, जैसे मैंने आपको उस दिन भी बैंकिंग सिस्टम में बताया था दैट बैंक्स वॉन्ट यू टू कीप देयर मनी इन देयर इन देयर सिस्टम, मतलब आप सेविंग अकाउंट में पैसे रखो, आइदर यू कीप मनी इन योर फिक्स डिपॉजिट।
तो दो तरीके हैं फ्रॉम दे फॉर देयर एडवांटेज इज दैट यू अदर कीप मनी इन सेविंग अकाउंट, अदर यू कीप मनी इन फिक्स डिपॉजिट, जो हमारे टाइम डिपॉजिट है। यहाँ पे ऑफर्ड बाय बैंक टू इन्वेस्टर विद अ फिक्स मेच्योरिटी डेट, दे पे अ फिक्स इंटरेस्ट रेट एंड हैविंग मेच्योरिटी रेंजिंग फ्रॉम 7 डेज टू फ्यू डेज टू सेवरल ईयर्स। ठीक है, तो ये हमारे सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट होते हैं, जो भी लेस देन 1 ईयर है वही हमारे सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट कहलाएंगे। उससे ऊपर के दे विल बी ऑल कॉल्ड हमारे फिक्स डिपॉजिट या फिर रिकरिंग डिपॉजिट। अब ये जो एक इम्पॉर्टेंट स्टार्ट क्या है, दैट सेविंग लेवल्स ऑफ द कंट्री हैज़ बीन 35 ईयर्स लो, मतलब इंडिया ऑन जोनल हैज़ बीन स्पेंडिंग वे टू मोर रादर देन सेविंग। ठीक है, दैट इज वॉट वी हैव सीन अ न्यू कल्चरल ट्रेंड कि पीपल आर नॉट सेविंग दैट मच मनी, पीपल आर स्पेंडिंग मोर एंड इवन मोर देन द कैपेसिटी ऑफ विच दे कैन, राइट? सो बेसिकली बिकॉज ऑफ क्रेडिट कार्ड यू हैव सीन EMI इंस्टॉलमेंट्स, पीपल आर जोनरली बाइंग मोर थिंग्स, मोर स्टफ, एंड बिकॉज ऑफ EMI इट हैज़ बिकम बिट रीजनेबल टू बाय टू देम, एक ज़्यादा बड़ी मार्केट को एक्सेस करने के लिए। इफ यू वॉन्ट अर्लियर बिकॉज इट वॉज द केस यू डोंट वॉन्ट इट टू स्पेंड लाइक ₹1 लाख ऑन फोन इन वन गो, एक एक ही बारे में नहीं देना चाहते थे, बट बिकॉज ऑफ EMI देर आर ऑप्शन दैट यू कैन पे इट एंड इन लाइक इन मंथली इंस्टॉलमेंट। बट उसमें भी प्रॉब्लम क्या है, दैट यू हैव टू पे इंटरेस्ट, राइट? सो दैट इज वेयर देयर आर अर्निंग। तो इसमें सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट में जब हम बैंकों के लिए कंसर्न ये है कि दे वॉन्ट यू टू कीप द मनी इन द सिस्टम, और इसीलिए सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इशू करे जाते हैं। इन्वेस्टर्स को बोला जाता है कि आप पैसे रखो और उसके बाद आपको एक इंटरेस्ट रेट दिया जाएगा और एक फिक्स्ड मेच्योरिटी डेट पे। ठीक है, ये बैंक्स का है, ये कॉरपोरेशंस का है, और जो हमने ट्रेजरी बिल्स पढ़ा था दैट वाज फॉर गवर्नमेंट। ओके, राइट? सो दिस इज हाउ अ कमर्शियल पेपर लुक्स लाइक एंड दिस इज हाउ अ सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट लुक्स लाइक। ठीक है, एक एग्जाम्पल है, जैसे अब इसमें दे रखा है, ऑन डिमांड वी प्रॉमिस टू पे एट द इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया दिस मच अमाउंट फॉर वैल्यू रिसीव द सम ऑफ ₹20,000 ओनली विद इन इंटरेस्ट फ्रॉम दिस डेट एट द रेट ऑफ 6.5% पर एनम। तो जैसे मैंने आपको बताया कमर्शियल पेपर, दिस इज अ वेरी ओल्ड कमर्शियल पेपर का एग्जाम्पल, अगर मैं बोलूँ बिल्कुल भी कोई नया नहीं है, राइट? दिस इज डेट, फॉर्मेट की अगर मैं बात करूं, अमाउंट दे रखा है, कितने अमाउंट के लिए दे रखा है, एंड उसके बाद आपको एक डेट मेंशन कर रखी है एंड द इंटरेस्ट रेट जो आपको मिलेगा जिसमें आपको कंपनी ये पे करेगी। ठीक है, हमारा जो कमर्शियल पेपर है, उसके बाद ये है हमारा सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। यहाँ पे आपको लिखा है, देखो, शॉर्ट डिपॉजिट रिसिप्ट, मतलब बहुत छोटे टाइम पीरियड के लिए, नाम लिखा हुआ है एंड द अमाउंट इज हैज बीन रिटर्न 5 लाख ओनली, और द पर्सन हु हैज अकाउंटेंट द मैनेजर सिग्नेचर एंड एवरी डिटेल, दिस इज द डेट एंड दिस इज 2010, राइट? अब मेरे को कुछ स्टूडेंट्स कहेंगे सर इसमें तो अमाउंट इज ओनली 20,000, बट थिंक अबाउट द पीरियड, दिस इज 1926 एंड वी आर टॉकिंग अबाउट 20,000 बैक देन। सो आज के टाइम में इफ अ कमर्शियल पेपर इज इशूड, इट इज इशूड इन लैक्स, और हमारे जो CODs होते हैं इसमें मिनिमम अमाउंट जो होता है इन्वेस्ट का वो 1 लाख रुपये होता है। ठीक है, आपका मिनिमम इन्वेस्टिंग अमाउंट इन सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इज 1 लाख रुपीज, उससे कम से आप नहीं कर सकते। ओके, मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट इन COD। ओके, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट में 1 लाख रुपए आपको मिनिमम इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तभी जाके यू कैन बाय इट, शॉर्ट टर्म डिपॉजिट रिसिप्ट मिलती है। उसके ऊपर इसके मल्टीपल्स हैं, जैसे आप 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, दैट इज पर्टिकुलरली अपॉन यू, इसके मल्टीपल्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। दैट इज हाउ लाइक दैट हाउ ईजी इट इज, बट एज आई सेड दीज आर ऑल द इंस्ट्रूमेंट दैट बैंक्स इशू टू कर्व देयर शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म की बात हम करते हैं, शॉर्ट टर्म में हमने सारी बातें करनी है, सेम गोज फॉर कमर्शियल पेपर, शॉर्ट टर्म क्रंच को ही मीट करना है। ऑल राइट, सो दिस इज हाउ लाइक इट यूज टू लुक लाइक। अब एज एवरीथिंग इज गोइंग डिजिटल, यू वोंट सी मच ऑफ इट, अब बहुत ज्यादा डिजिटल एज और डिजिटल एरा में जाते जा रहे हैं, सो यू वोंट सी मच ऑफ दिस। ठीक है, राइट? अब बात करते हैं रीपर्चेज एग्रीमेंट, रेपो एग्रीमेंट की अगर हम बात करें। ठीक है, दिस इज द फोर्थ मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट दैट वी हैव इन आर कंट्री। अ रीपर्चेज एग्रीमेंट इज अ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन वेयर वन पार्टी सेल सिक्योरिटीज टू अनदर पार्टी विद अ साइमल्टेनियस एग्रीमेंट
टू री परचेज द सेम सिक्योरिटीज एट अ लेटर डेट। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे अगर मैं सिंपल डेफिनेशन को अगर यू नो डिसाइफर करूँ, तो इसमें क्या है, मैं ए और बी का एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। ए बी को कुछ सिक्योरिटीज बेच रहा है, जैसे एक्स वाई जेड लिमिटेड की, ठीक है। एक्स वाई जेड लिमिटेड एक कंपनी है, उनकी सिक्योरिटीज के शेयर ए के पास है, ए को भी पैसे की जरूरत थी, ठीक है। तो ए ने बी को बेच दिए शेयर्स और बी से क्या ले लिए, पैसे। और उसके साथ ही एक और एग्रीमेंट करा कि फ्यूचर में मैं तेरे को पैसे वापस कर दूंगा और मैं अपने शेयर्स वापस ले लूंगा, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं रीपरचेज एग्रीमेंट, जिसमें ए क्या है बी से, ए क्या है बी से पैसे लेगा, अपने शेयर्स बी को देगा और बी को ये बोलेगा साथ में कि कल को मैं तेरे को पैसे लौटा दूंगा, राइट। और उसमें जब मैं तेरे को लौटाऊंगा तो तेरे को मेरे शेयर्स वापस करने पड़ेंगे। अब इसमें ऑब्वियसली द प्रीमियम इज इंक्लूडेड, ऐसा तो है नहीं कि बी बस पैसे देगा शेयर्स लेगा और फिर वापस पैसे ले लेगा और शेयर्स वापस दे देगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। द प्रीमियम इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ ऑल द होल ट्रांजेक्शन दैट गोज अलॉन्ग। तो रीपरचेज एग्रीमेंट इज अ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन वेयर वन पार्टी सेल सिक्योरिटीज टू अनदर पार्टी विद अ साइमल्टेनियस एग्रीमेंट टू रीपरचेज द सेम सिक्योरिटीज एट अ लेटर डेट। ऑब्वियसली वो उस टाइम तो नहीं कर सकता बिकॉज ही इज शॉर्ट ऑफ मनी, दैट इज वाई ही सेलिंग दो सिक्योरिटीज, बट वंस ही मेक्स द मनी ही विल बाय बैक दो सिक्योरिटी। एसेंशियली इट इज अ शॉर्ट टर्म कोलेटरलाइज बोरोइंग अरेंजमेंट बिटवीन टू पार्टीज। सो दिस इज द बेस्ट इट हैज बीन डिस्क्राइब्ड कि एक शॉर्ट टर्म कोलैटरलाइज बोरोइंग एग्रीमेंट है बिटवीन टू पार्टीज, कि मैं देखो अपने कोलैटरल में क्या दे रहा हूँ, आई एम नॉट गिविंग यू गोल्ड, आई एम नॉट गिविंग यू एनी यू नो एनी यूज केस फिजिकल एसेट, आई एम गिविंग यू सिक्योरिटीज। तो सिक्योरिटीज के डिजिटल एसेट की तरह ही है, और उसके बदले में आई नीड मनी, आई वंस आई रीपे यू द मनी यू कैन गिव मी माई सिक्योरिटीज बैक, मतलब शेयर्स की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। अब इसमें एक एग्जांपल दे रखा है, लेट्स से बैंक के नीड शॉर्ट टर्म फंड्स एंड ओन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। तो उनको शॉर्ट टर्म फंड की जरूरत है और वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को ओन करती है। ए एंटर्स इनटू अ रेपो एग्रीमेंट विद बैंक बी, तो एक रेपो एग्रीमेंट जैसे इसका नाम है रीपर्चेज एग्रीमेंट, ओके, विद बैंक बी। इन दिस एग्रीमेंट बैंक ए सेल्स गवर्नमेंट सिक्योरिटीज टू बैंक बी विद द कमिटमेंट टू रीपरचेज देम आफ्टर अ स्पेसिफाइड पीरियड, एग्जाम्पल ओवरनाइट और अ फ्यू डेज। तो सिंपली कहने का क्या मतलब है, जब बैंक बी के पास जाएगा, उसको बोलेगा दैट आई नीड मनी, लेट सपोज उसे 10 लाख रुपए चाहिए। अब वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो है बी को दे देगा और बी से 10 लाख रुपए ले लेगा, एंड बैंक जो ए है उसको 2-3 दिन बाद ही विल गेट द मनी, बिकॉज उसके पेंडिंग थे, तो ड्यू डेट आने वाली है बट 2-3 दिन बाद आने वाली है, उस टाइम पे नहीं आने वाली, तो 2-3 दिन बाद ही विल गेट द मनी, ही विल पे टू बैंक बी, और वो 10 लाख से ऊपर ही होगा। लाइक जैसे उन्हें 10 लाख लिए तो 10,05,000 दे दिया, ठीक है। तो इससे ज्यादा अमाउंट मतलब लाइक कुछ ऑब्वियसली कुछ अमाउंट ऊपर देना ही पड़ेगा, एल्स वाई वुड बी एंटर इन टू सच एग्रीमेंट्स, राइट। बैंक बी प्रोवाइड्स फंड टू बैंक ए एंड बैंक ए प्रोवाइड्स गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एट कोलैटरल। द डिफरेंस बिटवीन द सेल एंड रीपरचेज प्राइस सर्व्स एज द इंटरेस्ट और कॉस्ट ऑफ बोरिंग, ठीक है। अब जैसे मैंने कहा, जैसे ये 10 लाख रुपए है, उसको एग्जैक्टली भी जो बी को वापस करेगा पैसे जब सिक्योरिटीज लेने जाएगा, तो वो उससे ज्यादा पैसे लेगा। बी बी उससे क्या कहेगा कि मेरे को अब 10 लाख नहीं, 10,50,000 दे, बिकॉज इतने टाइम तक आई वुड हैव अर्न सम इंटरेस्ट ऑन दैट मनी दैट आई हैव लॉस्ट, सो यू हैव टू पे मी मोर देन दैट। तो कॉम्पनसेट भी करना पड़ेगा और उससे ज्यादा पे करना पड़ेगा, तो ये 10,50,000 ले रहा है, राइट। तो इसी को जो डिफरेंस होता है सेल एंड रीपरचेज, बिकॉज जब आपने सेल करे, आपने 10 लाख में सेल करे, जब आप रीपरचेज कर रहे हो, आप 10,50,000 में रीपरचेज कर रहे हो, तो इसको हम बोलते हैं द कॉस्ट ऑफ बोरिंग और द सर्व्स एज इंटरेस्ट और कॉस्ट ऑफ बोरिंग फॉर बैंक के। द रीपरचेज प्राइस इज हायर देन द सेल प्राइस, जैसे मैंने कहा दिस इज रीपरचेज प्राइस एंड दिस इज आर सेल्स प्राइस, ठीक है, जिसमें हमने 10 लाख में सेल पहले सेल करा उन सिक्योरिटीज को, और जब रीपरचेज करा तो कितने में करा, 10,50,000 में, एंड द इंटरेस्ट कॉस्ट इज इम्प्लिसिट इन द प्राइस डिफरेंस, जो इंटरेस्ट कॉस्ट है वो इसी में इंक्लूडेड है। सो दिस इज हाउ जोनली अ रीपरचेज एग्रीमेंट गोज ऑन, ठीक है। अब एज फार एज आई नो फ्रॉम वट आई हैव कम अक्रॉस टू द मेनी एस्पिरेंट, दे एक्चुअली यू नो गेट कन्फ्यूज जो रीपरचेज एग्रीमेंट आता है, ठीक है। तो इस रीपरचेज एग्रीमेंट को कन्फ्यूजन के साथ नहीं, बल्कि एक
एग्जाम्पल के साथ समझने की कोशिश करना कि यहाँ पे जो बायर है वो सेलर के पास जा, जो हमारा ए है यहाँ पे क्या है, वो क्या कर रहा है, अपने सेल कर रहा है अपनी सिक्योरिटीज को, ठीक है। तो यहाँ पे वो सेल करेगा और उससे पैसे लेगा, और जो बायर है वो वहीं बैठा हुआ है, ओके। तो ये हमारे रीपरचेज एग्रीमेंट में सिंपल सी इक्वेशन है, मतलब मैं सिक्योरिटीज बेच रहा हूँ, पैसे ले रहा हूँ, और वही कुछ टाइम बाद उन पैसों को वापस करता हूँ एक्स्ट्रा विद इंटरेस्ट, या वो जो भी अमाउंट है ज़्यादा पेमेंट कर रहा हूँ टू बाय द सेम सिक्योरिटीज दैट आई ऑफर टू द सेम पर्सन, बिकॉज सिक्योरिटीज मेरे लिए डियर हैं, उनको बस मैं एक कोलैटरल की तरह ही यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। मैं कोलैटरल की तरह ही यूज़ कर रहा हूँ, आई वॉन्ट दो सिक्योरिटीज बैक, मैं उनको बेचना नहीं चाहता। लेट सपोज आपके पास जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्रूशल, और जैसे मैंने बोला भी है कि आरबीआई आपको मैंडेटरी भी करती है दैट यू हैव टू यू नो समटाइम्स बाय गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, तो वो चीज़ें भी होती हैं। अब जब आपके पास है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज तो आप उनको बेच तो सकते नहीं फॉरएवर, तो आप क्या करोगे, तरीके से कोलैटरल ले लोगे शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए, तो इसलिए रीपरचेज एग्रीमेंट हमारा यूज होता है, ओके। अब बात करते हैं नेक्स्ट कॉल मनी की। अब जैसे हम बैंक्स की बात कर रहे हैं, तो बैंक्स में क्या होता है, कॉल कॉल मनी बहुत हमारे एक एग्जांपल है कि यूज कैसे करते हैं। सी कॉल मनी जो है रिप्रेजेंट करता है शॉर्ट टर्म फंड्स लेंड बाय वन बैंक टू अनदर इन द इंटर बैंक मार्केट, इनका बस शॉर्ट टर्म ओवरनाइट का ही टेन्योर होता है। लेट सपोज यू नो आईसीआईसीआई बैंक के पास बहुत ज़्यादा ही विड्रॉल की रिक्वेस्ट आ गई, मैंने आपको पहले भी बताया है कि बैंक डोंट कीप मनी विद देम सेल्फ, ओके। अब एक दिन मेजोरिटी ऑफ कस्टमर्स व्हाट दे आर डूइंग फ्रॉम आईसीआईसीआई बैंक, दे आर विड्रॉइंग मनी, अब वो बहुत ज़्यादा विड्रॉ कर रहे हैं। लेट सपोज द जर्नल मनी दैट यू पीपल यूज टू विड्रॉ वॉज 40%, बट वन डे दे स्टार्टेड विड्रॉइंग 80%, ठीक है। अब 80% जब आपके पास लोड आ गया, देन यू रियलाइज दैट यू डोंट हैव दैट मच ऑफ मनी, ओके। बिकॉज वॉट यू डिड, यू एक्चुअली लेंडेड दैट मनी, और एज अ बैंक आपने क्या करा, उस मनी को और आगे सर्कुलेट करा। अब जब आधा ज़्यादा मनी को सर्कुलेट करते हो तो दैट यू डोंट कीप दैट मनी विद योर सेल्फ, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि वो बैंक वो पैसा अपने पास नहीं रखता, वो बैंक पैसा आगे दे देता है लोगों को रादर देन कीपिंग विद इट सेल्फ। इस केस में दे नीडेड दैट मनी कि अब इतना ज़्यादा विड्रॉल हो रहा है तो क्या होगा, उस शॉर्ट टर्म के लिए दे लेंड मनी, वो किसी से पैसे बोरो कर लेते हैं, राइट। तो इस बोरोइंग को हम कॉल मनी कहते हैं, ठीक। मतलब बेसिकली ओवर अ कॉल इसकी हम बात करते हैं, इसका कॉल मनी का नाम पड़ा ओवर अ कॉल की अगर हम बात करें तो, आप एक कॉल करते हो यू गेट द मनी एंड ओवरनाइट के लिए ही आप लेते हो, और इसमें भी देर इज एन इंटरेस्ट जो चार्ज करा जाता है। जैसे आईसीआईसीआई बैंक ने कॉल करा किसे, एचडीएफसी को, दैट यू नो व्हाट इज हैपनिंग इज विद मी इज एक्चुअली मेजोरिटी ऑफ माय कस्टमर्स इज विड्रॉइंग द मनी एंड आई डोंट हैव दैट मच ऑफ मनी विद मी एट द मोमेंट, तो मैं क्या करूँ, सो आई नीड दैट मनी, सो वॉट यू डू इज बेसिकली लेंड मी मनी फॉर ओवरनाइट एंड आई अरेंज फॉर मेजोरिटी ऑफ माई मनी बाई टूमोरो, ठीक है। तो एच डी एफ सी क्या करेगा, वो छोटे ड्यूरेशन के लिए कॉल मनी, बिकॉज जैसे हम बोलते हैं ओवर अ कॉल, आपने कॉल करा एंड यू गेट द मनी, तो एच डी एफ सी आपको लेंड कर देगा और आप बोरो कर लोगे एच डी एफ सी से, ठीक है। और उसके बाद आप एच डी एफ सी को पे करोगे वेन वंस यू डू इट लाइक टुमारो, एज इन आपने एक एक नाइट के लिए आपने पैसे ले लिए, आपने कल उनको कॉल करके यू नो यू रीपेड दैट मनी, ठीक है। तो इसलिए हम कॉल मनी यूज करते हैं शॉर्ट टर्म बोरिंग, शॉर्ट टर्म बोरिंग, और ये बहुत शॉर्ट टर्म होती है, लाइक बिल्कुल ही बेरेस्ट ऑफ मार्जिन ऑफ शॉर्ट टर्म्स, राइट। इसको हम क्या बोलते हैं, ओवर अ कॉल मनी, जब बिल्कुल ही स्लाइटली यू आर जस्ट रनिंग आउट ऑफ द मनी, बिल्कुल क्रंच में आ जाते हो, आपको लगता है कि आज आज कैसे चलाएंगे, बिकॉज कल तक यू नो दैट योर फाइनेंसेस विल गेट बैक, योर फाइनेंसेस विल बी फाइन, तो आप कल के लिए बहुत कॉन्फिडेंस हो, बट यू यू लैक कॉन्फिडेंस फॉर टूडे, सो यू ओवर अ कॉल बोरो मनी, दिस इज नोन एज कॉल मनी बोलते हैं, बैंक्स करते हैं, दीज आर बैंक्स टू बैंक्स ट्रांजेक्शन, ठीक है। बैंक्स टू बैंक्स ट्रांजेक्शन होती है, इंस्टीट्यूशन टू इंस्टीट्यूशन, तो ओवर अ कॉल इन मनी को रेज करा जाता है, राइट। अब बात करते हैं मनी मार्केट म्यूचुअल फंड, सो दीज आर अ टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड एज यू नो, ठीक। अब क्या होता है, म्यूचुअल फंड्स में ना बहुत तरीके की वैरायटीज होती है, मैंने जैसे आपको थोड़े टाइम पहले भी एक एक वीडियो में समझाया था कि म्यूचुअल फंड्स आर अ वे
फॉर एन इन्वेस्टर हु इज़ नॉट दैट फाइनेंशियली लिटरेट टू मेक मनी, ठीक है? एज यू नो स्टॉक मार्केट आर वेरी वॉलेटाइल, स्टॉक मार्केट आर वॉलेटाइल. वंस वी टॉक अबाउट स्टॉक मार्केट बींग वॉलेटाइल, इसका कहने का मतलब क्या है, दैट दे गो अप एंड दे गो डाउन एज वेल, और ये बहुत जल्दी रेंज में हो सकता है. लेट सपोज यू आर लुकिंग फॉर अ स्टॉक फॉर अ वाइल नाउ एंड यू थॉट यू विल बाई इट, एंड होता क्या है दैट आपने एक दिन स्किप कर दिया, नेक्स्ट डे सोचा बाय करूंगा और उसी दिन वो 10% बढ़ गया. सो यू थॉट योर स्टॉक विल गो अप अगेन एंड अगेन, द डे यू बाय इट इट वेंट डाउन बाय 10%, राइट? तो वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, यू कैन लूज आउट योर मनी, ठीक है? अब मैं यहाँ पे वी आर टॉकिंग अबाउट यू नो लार्ज इन्वेस्टर्स, नॉट स्मॉल स्मॉल इन्वेस्टर्स, बिकॉज तब इतना इम्पैक्ट नहीं करता. लेट्स सपोज यू इन्वेस्टेड 10 लाख रुपीज इन अ स्टॉक एंड इट वेंट डाउन अप बाय 10% एंड वेंट डाउन 10%, इट वेंट डाउन इन वेंट अप बाय 10% एंड इट वेंट डाउन बाय 10%, तो मेजरली सम पे इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है? तो स्टॉक मार्केट्स बहुत वॉलेटाइल होते हैं एंड नॉट एवरी वन हैज टाइम टू एक्चुअली लुक अप टू द मार्केट एवरी डे, राइट? एज यू नो द मार्केट टाइमिंग्स 9:30 to 3:30 जो हमारी मार्केट टाइम्स होती हैं, 9:15 से एक्चुअली ऑर्डर्स प्लेस होने लग जाते हैं, 3:30 तक हमारी मार्केट क्लोज हो जाती है. तो ये जो हमारी वॉलिटिलिटी होती है उसके लिए पीपल आर वेरी अफ्रेड, कि उन्हें लगता है दैट यू नो दे कैन नॉट बी लुकिंग एट मार्केट, फॉलोइंग द मार्केट होल टाइम. सो एक और ऑल्टरनेटिव बताया है, उसका हमने बताया है म्यूचुअल फंड्स. म्यूचुअल फंड्स में क्या है, फर्स्टली क्या है, आप सबके पैसे एक साथ कोलैब, आपके जो पैसे होते हैं सबके सब एक म्यूचुअल फंड मैनेजर के पास जाते हैं. जैसे आपने एक फंड कुछ सिलेक्ट कर लिया, जैसे फॉर एग्जांपल लेता हूँ एक HDFC म्यूचुअल फंड की, ठीक है? अब इसमें भी देर आर मल्टीपल वेराइटीज, जैसे यहाँ पे देर इज स्मॉल कैप, मिड कैप एंड लार्ज कैप, ठीक है? म्यूचुअल फंड्स में भी कैटेगराइजेशन होता है जैसे हमारी स्टॉक मार्केट की कंपनीज में होता है. तो आप ये क्या करती है, जो म्यूचुअल HDFC म्यूचुअल फंड है, जो स्मॉल कैप की बात कर रहे हैं, इसका नाम में अगर स्मॉल कैप गिवन है तो स्मॉल कैप में क्या है, वो स्मॉल कैप की कंपनीज में इन्वेस्ट करेंगी. तो स्मॉल कैप की कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहे होंगे आपके पैसे, और दीज आर द कंपनीज विच हैव मार्केट कैपिटल ऑफ लेस देन 5,000 करोड़. आपकी जो है मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो लेस देन 5,000 करोड़ है. उसके बाद अगर मिड कैप की बात करें तो दिस इज द मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ 5,000 to 20,000 करोड़, एंड एनी कंपनी विच हैज मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ 20,000 करोड़ प्लस, दे आर बेसिकली कॉल्ड लार्ज कैप, ठीक है? तो HDFC म्यूचुअल फंड में तीन कैटेगराइजेशन हो सकती है, स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप. तो डिफरेंट डिफरेंट उनके एवेन्यूज हो सकते हैं. लोगों को बोलना कि हम इनमें से, बिकॉज इसमें ही बहुत सारी कंपनीज होती है, स्मॉल कैप में, मिड कैप में भी बहुत कंपनीज होती है, लार्ज कैप में भी बहुत कंपनीज होती है. एज एन इंडिविजुअल इन्वेस्टर यू माइट बी लाइक इफ यू आर एंटरिंग इनटू स्टॉक मार्केट, यू पिकिंग द स्टॉक विल बी वेरी डिफिकल्ट. बट यहाँ पे व्हाट यू कैन डू इज बेसिकली डू इट ऑन, यू कैन लेट द थिंकिंग टू बी डन बाय द मैनेजर बिकॉज दे विल गेट सम कमीशन ऑन इट, ठीक है? अब इसमें क्या है, स्मॉल कैप्स आर ऑल्सो वॉलेटाइल. तो अब क्या करते हैं म्यूचुअल फंड मैनेजर, पूरे के पूरे स्मॉल कैप में पैसे इन्वेस्ट नहीं करेंगे, कुछ डेफिनेटली हाँ, जैसे जो उस फंड का, लेट सपोज अगर HDFC म्यूचुअल फंड स्मॉल कैप में 100 रुपए है टोटल, तो उसका 10 या 11% वॉट दे डू इज बेसिकली इन्वेस्ट इन सच TREPS, जो उसको हम बोलते हैं, जिसमें हमारे जो गवर्नमेंट सिक्योर्ड ट्रेजरी बिल्स होते हैं या कमर्शियल पेपर्स होते हैं या हम कमर्शियल पेपर सर्टिफिकेट डिपॉजिट, यहाँ पे वो पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं. मतलब कि ये सिक्योर्ड पैसा, इतना तो रिटर्न आएगा ही आएगा. स्मॉल कैप्स में सी व्हाट आर दीज मैनेजर, दीज आर एक्सपर्ट्स, राइट? बट दे आर नॉट गॉड, सी दे कैन ऑल्सो मेक मिस्टेक. सो हम बात कर रहे हैं कि ये जो मैनेजर हैं तो दे हैव यू नो बेटर चांस ऑफ पिकिंग अ गुड कंपनीज फ्रॉम यू कंपेयर टू यू. तो अब इसकी वजह से जब 100 रुपये मेरा 100 रुपये का 10-11% जो मेरा है इसमें जा रहा है, सो आई नो दैट माई मनी विल बी यूटिलाइज वेल. तो इसको हम बोलते हैं मनी मार्केट म्यूचुअल फंड्स. इन्वेस्ट इन शॉर्ट टर्म लो रिस्क इंस्ट्रूमेंट, दे ऑफर अ वे फॉर इन्वेस्टर टू एसेस द मनी मार्केट. तो यहाँ से आप अपना पैसा मनी मार्केट में डाल सकते हो, ये मनी मार्केट म्यूचुअल फंड्स होते हैं. अब जैसे मैंने इसका एग्जाम्पल दिया, दिस इज अ लाइव एग्जाम्पल, रियल एग्जाम्पल, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल. इफ यू वॉन्ट टू चेक इट आउट यू कैन चेक इट आउट ऑन योर ओन, कि यहाँ पे HDFC म्यूचुअल फंड स्मॉल कैप में आप जाके खुद चेक कर सकते हो वेदर हाउ दे इन्वेस्ट. बाइफरकेशन होती है कि कितना कितना परसेंट वो पैसा
एलोकेट करते हैं। बहुत सारे जैसे होता है डिफेंस, हमारे सेक्टर्स होते हैं उसमें पैसे लगते हैं, एंड एक पार्ट ऑफ सेक्टर इज दिस मनी मार्केट म्यूचुअल फंड, जिसके थ्रू आप मनी मार्केट में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो और फटाफट आप अपने लाइक यू कैन गेट योर सिक्योर्ड रिटर्न्स बैक। ओके, अब दूसरी बात क्या है, जैसे मैंने कहा कि थी मैनेजर्स जो हमारे होते हैं म्यूचुअल मार्केट, जो म्यूचुअल फंड्स के मैनेजर होते हैं, दीज आर बेसिकली एक्सपर्ट्स, राइट। आप कभी भी देखना, हमेशा एक म्यूचुअल फंड मैनेजर का नाम लिखा होता है कि हु इज़ मैनेजिंग दीज फंड्स, एंड दैट पर्सन वुड बी अ वेल क्वालिफाइड पर्सन हु हैज़ बीन डीलिंग विद सच सिक्योरिटीज एंड हैव बीन वर्किंग फॉर अ वाइल। अब सो वंस दे पिक अ स्टॉक, दे फील दैट दिस स्टॉक विल डू वेल जर्नली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ऐसा नहीं कि म्यूचुअल फंड्स में दैट दे डू नॉट चेंज द स्टॉक, सी वहाँ पे दे हैव टू चेंज देयर पोजिशन। मतलब लेट सपोज इन 2024 इफ पब्लिक सेक्टर यूनिट्स विल डू वेल, तो वो क्या करेंगे कि पब्लिक सेक्टर यूनिट्स में ही पैसा ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे, बिकॉज दे थिंक सो, ऐसे कुछ कंपनीज को पिक करेंगे और वहाँ पे वो पैसा लगा लेंगे, राइट। तो ये झंझट आपको नहीं पता, आपको नहीं पता यू हैव टू पिक विच वन विच स्टॉक। सो ऑल ऑफ दिस इज बीइंग डन बाय मनी मार्केट म्यूचुअल फंड मैनेजर, राइट। सो इफ यू वॉन्ट टू एनहांस योर UGC नेट पेपर वन प्रिपरेशन, एंड इफ यू आर नॉट एबल टू फिगर इट आउट कि कहाँ से पढ़ना है, सो वी हैव द सोल्यूशन फॉर इट। वॉट यू हैव टू डू इज बेसिकली व्हाट्सएप ऑन दिस नंबर 9873907600 व्हाट्सएप करना है, एंड यू कैन क्लेम योर UGC नेट असेंशियल ई बुक फॉर ऑल 10 यूनिट्स, राइट। सो बेसिकली वॉट यू हैव टू डू इज व्हाट्सएप ऑन दिस नंबर एंड यू कैन क्लेम योर ई बुक, फ्री ई बुक जिसमें डिटेल में सारे नोट्स हैं, एंड दैट इज फ्री, सो वाई नॉट ट्राई इट आउट। ओके, एंड थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन एंड फॉर द वंडरफुल एप्रिसिएशन ऑफ द ऐप दैट इज अवेलेबल ऑन द प्ले स्टोर। इफ यू हैवन डाउनलोड इट गेट, यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन गिवन बिलो, एंड यू वी हैव बीन रेटेड 4.83 विच इज ह्यूमंगस फॉर अस, एंड थैंक यू फॉर ऑल द लव एंड अप्रिसिएशन दैट यू हैव बीन गिविंग। एंड इफ यू आर वॉचिंग अस फॉर द फर्स्ट टाइम, डू गिव इट अ लाइक, और इफ यू हैव बीन अ रेगुलर वॉचर इवन देन गिव अ लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू हैवेंट ऑलरेडी। शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड ऑल द एस्पिरेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर UGC नेट, and subscribe and hit the bell icon so whenever I come up with the next video you get notified for the same. So thank you all for joining in this video. I hope this video was useful for your examination preparation, and once again if you have any doubt or query mention in the comment.